श्रीलंका, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। 134A के तहत दाखिले को लेकर अभिभावकों का प्रदर्शन जारी है। निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिभावक डीईओ और डीसी दफ्तर के लगा रहे हैं चक्कर। 134A के तहत कल तक है दाखिले का आखिरी दिन। निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं। अभिभावक डीईओ और डीसी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। तो एडमिशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है और गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है। इस खबर पर हमारी संवाददाता शिवानी लोहिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवानी, देखा जाए तो जैसे ही एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है पेरेंट्स की टेंशन बढ़ना एकदम देखते हैं कि हर साल पेरेंट्स की टेंशन जो है वो बढ़ जाती है। अभी आप क्या देख पा रही हैं, स्कूलों की मनमानी को लेकर डीसी दफ्तर के बाहर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है? बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से आपको बता दूं कि लगातार जो ये पेरेंट्स हैं वो 15 तारीख के लेस आने के बाद 16 तारीख से ही लगातार स्कूलों के जो है चक्कर काटने में लगे हुए हैं। कभी वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जाकर उनको टाल दिया जाता है, कभी क्योंकि आज 23 तारीख है और 24 तारीख की जो आखिरी डेट है वो फिलहाल थी। और जो अब की स्थिति है वो बीओ ऑफिस में, जहाँ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस में अगर वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाकर कहा जाता है, जो प्रशासन वहाँ पर बैठा है, जो बीओ मैम वहाँ पर बैठी है, उनका कहना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप जो है स्कूल में जाइए और कोशिश कीजिए, वो एडमिशन करेंगे, हमने उनको बोल दिया है। लेकिन जब प्रशासन के कहने पर जब पेरेंट्स अभिभावक जो है स्कूल में जा रहे हैं तो उनसे मना जो है वो करा जा रहा है और वो साफ तौर पर उनको टालते हुए नजर आ रहे हैं। और अब फिलहाल तारीख जो है उनको 28 दिसंबर दी जा रही है। पेरेंट्स से हमने बातचीत की है श्वेता, तो पेरेंट्स का कहना सिर्फ इतना है अगर ऐसी कोई सूचना है और अगर वही यही बात जो है स्टैंप लगाकर स्कूल के बाहर नोटिस लगा दिया जाए तो हमारे लिए वो हम उसका फोटो खींच लेंगे और कम से कम हम एक संतुष्टि हमें हो जाएगी कि हाँ, हम लोगों का जो बच्चों का एडमिशन जो है वो अब 28 तारीख के बाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से भी जो स्कूल प्रशासन है वो साफ तौर पर इनकार कर दिया कर चुका है। और हमने वही जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो प्रधान है, जो प्रदेश अध्यक्ष है राम अवतार शर्मा, उनसे बातचीत की है श्वेता, तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार ने हमसे जब ईडब्ल्यूएस का वायदा किया था, जब ये बातचीत हुई थी तो हमारे उसमें एक समझौता किया गया था जिसके तहत समझौते में ईडब्ल्यूएस के जो जो स्टूडेंट्स है उनके एक निर्धारित एक पैसा किया गया था, वो पैसा जो है सरकार कम से कम 3 सालों से जो है वो हमें नहीं दे रही है। और उसी पैसे जब तक वो पैसा सरकार उनको नहीं दे देगी तब तक जो ये पेरेंट्स हैं वो उनको एडमिशन देने से जो स्कूल प्रशासन है वो साफ तौर पर जो है इनकार करता हुआ नजर आ रहा है। श्वेता जी, शिवानी, तमाम जानकारी के लिए, वहां से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर साल हम कुछ इसी तरह की परिस्थितियां देखते हैं जब पेरेंट्स की टेंशन जो है वो एडमिशन को लेकर बढ़ जाती है। निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर गुरुग्राम में अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बीओ और डीसी दफ्तर के चक्कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।